राहुल गांधी ने कथित कोविड टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालयों पर छापा मारे जाने के एक दिन बाद यानी कि आज कहा है कि सत्य डरता नहीं है। उन्होंने हैशटैग टूलकिट के साथ ट्वीट किया है कि सत्य डरता नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने कथित कोविड टूलकिट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों पर छापा मारा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि विशेष प्रकोष्ठ ने कथित कोविड 19 टूलकिट संबंधी शिकायत को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा और भाजपा नेता संबित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ है। बताने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से स्पष्टीकरण मांगा था। पिछले सप्ताह ट्विटर ने कथित टूलकिट से संबंधित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताया था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने एक टूलकिट बनाकर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भारतीय स्वरूप या मोदी स्वरूप बताया और देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि भाजपा उसे बदनाम करने के लिए फर्जी टूलकिट का सहारा ले रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पुलिस में जालसाजी का मामला भी दर्ज कराया है।